फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये बेबी फ्रॉक की है। हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है, हाफ मीटर येलो कलर लिया है और हाफ मीटर नेवी ब्लू कलर लिया है, यानी कि टोटल जो फैब्रिक है हमारा 1 मीटर है। तो हमने ये फ्रॉक किस तरह तैयार की है स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई अपडेट पाने के लिए। हमने ये फैब्रिक लिया है 16x16 और ये 2 फैब्रिक है हमारे, तो इनको हम इस तरह तिकोना फोल्ड कर लेंगे। अब अपना इंची टेप लेंगे और यहाँ कोने में रखेंगे ऊपर की साइड, और जितना हमारा ये वाला फैब्रिक है ये 16 इंच है तो 16 इंच की हम गोलाई कर लेंगे। इस तरह हमने ये निशान लगा लिए हैं यहाँ से और यहाँ तक हमने 16 इंच रखा है, फिर ये गोलाई की है। यहाँ से यहाँ तक हमने 4 इंच रखा है, फिर ये गोलाई की है और फिर ये ऊपर की साइड हल्की सी शेप की है। फिर यहाँ से और यहाँ तक 4 इंच रखा है। यहाँ पर जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया था यहाँ पर हमने ये केवल 1/2 इंच का कट लगाया है। ये हमने पट्टियाँ कट करके रखी हैं पहले से ही, जो ये येलो कलर की है इसकी हमने जो चौड़ाई रखी है यहाँ से 4 इंच रखी है और लंबाई हमारी जो यहाँ पर फील तैयार होगी उसके अकॉर्डिंग रखी है। तो हमने ये 2 पट्टी ये कट की हैं और 2 पट्टी ये कट की हैं। फिर ये वाली पट्टी कट की है इसकी भी हम फ्रिल तैयार करेंगे। ये वाली हमने 3 इंच रखी है और ये 4 इंच रखी है। ये स्टेप के लिए हमने कट की है, इसका बाद में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला फैब्रिक लेंगे अपना और इसको इस तरह ज्वाइंट करेंगे और इसको एक साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह। 2 पट्टी हम तैयार कर लेंगे। इस तरह हमने ये फ्रिल तैयार कर लिए दोनों। अब हमें क्या करना है, इस एक के ऊपर एक सेट कर देंगे। पहले ये येलो कलर वाली रखेंगे और फिर ये। इस तरह हमने दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम अपना एक पोर्शन लेंगे जो हमने घेर कट किए हैं और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। जो ये सिलाई है हमारी तो सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे।
इस तरह हमने ये नीचे दोनों फिल सेट कर दी है। अब ये जो नेक है हमने कट किया है, यहाँ पर फिल सेट करेंगे। इस तरह हमने ये नेक पर फिल सेट कर ली है। अब एक 22 ग्रेन की पट्टी लेंगे नेक पे लगाने के लिए। यहाँ पर हमने ये पाइपिंग सेट कर ली है। अब जो साइड में हमने एक कट लगाया था, यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे। ये दो पट्टी हमने कट की है। इस तरह हमने ये अपना एक पीस तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह हम अपना दूसरा पीस तैयार कर लेंगे। इस तरह हमने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं और जो ये डोरी तैयार की थी इस पर ये लटकन भी लगा ली है। अब एक दूसरे के ऊपर पीस रखेंगे। इस तरह हमने अपना बेबी फ्रॉक तैयार कर लिया है। बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये बहुत ही इजी है बनाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।